ऐसा लग रहा है कि बंगाल में एक स्पर्धा चल रही है कि मोदी की सुबह वाली रैली बड़ी होगी कि शाम वाली रैली बड़ी होगी, कल वाली रैली बड़ी होगी कि आज वाली रैली बड़ी होगी। हेलीपैड से मुझे यहां आते आते दम उखड़ गया, इतनी भीड़ थी कि मुझे जीप के बाहर खड़े रह करके एक प्रकार से रोड शो करना पड़ा। और यहां भी भाइयों बहनों, नमस्कार, आपनारा केमन आछेन? चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि महात्मा हरिश्चंद्र ठाकुर और गुरुचंद्र ठाकुर की कर्मभूमि कवि कीर्तिवर्ष जैसे अनेक मनुष्यों की भूमि को मैं सर झुका करके नमन करता हूं। मैं पिछली बार पड़ोस के ठाकुर नगर में आया था, मुझे याद है, ऐसा हुजूम उमड़ा कि मुझे सभा को आधे में ही समाप्त करना पड़ा। मुझे डर लग रहा था कि इतनी भीड़ में कहीं किसी को नुकसान न हो जाए। आज भी कोई कल्पना कर सकता है दिल्ली में बैठ के कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी रैली। वहीं से पश्चिम बंगाल की धड़कन का अंदाजा देश को हो गया था। जो थोड़ी बहुत आस दीदी को थी वो भी पिछले तीन चार चरणों में जो वोटिंग हुई है उसके बाद वो भी अब फीकी हो गई है। साथियों, अब विदेशी कलाकारों और किराए के गुंडों के बल पर ही दीदी आखिरी कोशिश करने में जुटी है, लेकिन इस बार बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इस बार भाजपा के साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता भी उनके खिलाफ मैदान में खड़ी हो गई है। इस बार के चुनाव में दीदी के खिलाफ सिर्फ मोदी नहीं, खुद पश्चिम बंगाल के जनगण ने दीदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इसलिए दीदी की बौखलाहट देखिए, अब मुझे तो गाली देती है, अब चुनाव आयोग को भी गाली दे रही है। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।